अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी शव को एक बैग के अंदर डालकर किसी तरह के पिंजरे के पास आता है और उस शव को उस पिंजरे में डालकर पिंजरा बंद कर देता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उस पिंजरे के अंदर वही बड़ी वाली मकड़ी मौजूद है, यानी कि यहाँ इस मकड़ी को पाल कर रखा जा रहा है। अब अगले सीन में हम कुछ लोगों को समुद्र के बीच नाव पर पार्टी करते हुए देखते हैं। फिर तभी कुछ लोग एक छोटी नाव पर सवार होकर आते हैं और वो सभी उनकी नाव में चढ़कर पार्टी कर रहे लोगों को पकड़ने लगते हैं, जो लोग अपना बचाव भी करते हैं, लेकिन गन लिए हुए सारे लोग उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। पर जाने से पहले एक आदमी नाव के अंदर ग्रेनेड फेंक कर उसे विस्फोट कर देता है, जिस धमाके में नाव का बारटेंडर मारा जाता है। अब अगले दिन जेसन और एलेक्स नाम के एक कपल नाव के जरिए समुद्र में घूमने आए होते हैं, तब उन्हें वहाँ वो नाव दिखाई देती है जिसे उन लोगों ने विस्फोट कर दिया था, जो देखकर वो दोनों उस नाव पर जाने का तय करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कोई जीवित बचा हो। पर जैसे ही वो उस नाव पर आते वहाँ उन्हें बारटेंडर का शव दिखाई देता है, जिसे देखकर एलेक्स एकदम घबरा जाती है। जेसन अब कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई जीवित होगा, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर तभी वहाँ भयानक तूफान उठने लगता है, इसलिए जेसन तुरंत अपनी नाव से कंट्रोल रूम में मदद के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका संपर्क नहीं होता, और अब देखते ही देखते वो तूफान उन्हें अपने चपेट में ले लेता है, जिससे एलेक्स पानी में गिर जाती है, इसलिए जेसन उसे बचाने पानी में कूद पड़ता है। पर तब तक उनकी नाव भी समुद्र में डूब जाती है, जिससे वो दोनों पानी में ही फंस जाते हैं। वो दोनों अब जैसे तैसे तैरते हुए थोड़ी दूर आते हैं, जहाँ उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, क्योंकि उनके सामने एक कार्गो शिप गुजर रहा था, इसलिए वो दोनों तुरंत उस शिप के पास जाते हैं, जहाँ जेसन एक फ्लेयर को जलाकर शिप वालों का ध्यान अपनी तरफ करता है और भाग्य से वो सभी उन्हें देख भी लेते हैं, इसलिए वो लोग भी तुरंत रस्सी से बनी सीढ़ी को नीचे फेंकते हैं, जिससे जेसन और एलेक्स उस रस्सी की मदद से शिप पर आने में सफल हो जाते हैं। अब शिप पर आने के बाद उस शिप का कैप्टन जिम तुरंत उन्हें सूखे कपड़े देता है, वहीं जेसन के गले पर चोट भी लग गई थी, इसलिए शिप का डॉक्टर गेब जेसन को चेक करके उसके घाव पर पट्टी लगा देता है, और तब वो उसे किसी तरह का इंजेक्शन भी लगाता है, जिसे देख कर जेसन उसे सवाल करता है कि आखिर ये इंजेक्शन किस लिए है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे चोट के दर्द को कम कर देगा। साथ ही हम गेब के असिस्टेंट को भी देखते हैं, जो कि वही आदमी निकलता है जिसने मूवी की शुरुआत में मकड़ी के पिंजरे को शव में डाला था। अब अगले दिन जेसन जिम से रेडियो के बारे में सवाल करता है, क्या मैं शिप का रेडियो इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि मैं किसी को मदद के लिए यहाँ बुला सकूँ, जिस पर जिम कहता है कि हमारा रेडियो खराब हो चुका है, जिसे हमने रिपेयर के लिए दिया है, और वो कब तक ठीक होगा कुछ कह नहीं सकते। वहीं जेसन उसे उस शिप के भी बारे में बताता है जो विस्फोट हुई थी, जो सुनकर जिम के चेहरे के हावभाव एकदम बदल जाते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शिप के विस्फोट होने में उन लोगों का ही हाथ हो। अब खाना खाते हुए जेसन के गांव से फिर से खून बहने लगता है, इसलिए वो तुरंत गेब के पास जाता है, जो उसे फिर से एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद जेसन शिप को एक्सप्लोर करने लगता है। तब वहाँ एक आदमी आकर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, और जेसन उसकी बातों पर ध्यान ना देकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में जिम एलेक्स से बातें कर रहा होता है, और तभी जेसन शिप के कंट्रोल रूम में चला जाता है, जहाँ उसे एक फोन दिखाई देता है, और अब वो जैसे ही किसी को फोन करने वाला होता है, वहाँ एक आदमी आकर उसे कहता है कि ये फोन खराब है, तुम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। फिर तभी जेसन को थकान जैसा भी महसूस होने लगता है, इसलिए उसे केबिन में ले जाया जाता है, जहाँ गेब आकर उसे फिर से इंजेक्शन लगा देता है। अब रात के समय गेब और जिम जेसन को स्ट्रेचर पर बांध कर कहीं ले जा रहे होते हैं, और तब उसके सामने बहुत ही खतरनाक मकड़ी आती है, जिसे देख कर उसकी रूह कांप जाते हैं, जिस घबराहट में उसकी आंखें खुल जाती है, यानी कि वो सपना देख रहा था। अब रात को जेसन सभी से चुप कर फिर से शिप को एक्सप्लोर करने लगता है, जहां अब उसे गेब का असिस्टेंट एक शव को बैग में डालकर कहीं ले जाते हुए दिखाई देता है, इसलिए जेसन उस कमरे के पास जाता है जिसमें से वो असिस्टेंट निकला था, लेकिन उसे वहां एक आदमी देख लेता है, और जब जेसन उस कमरे को खोलता है तो वहां उसे कई सारे शव हुक से लटके हुए दिखाई देते हैं, जिसे देख कर वो एकदम घबरा जाता है और तुरंत एलेक्स के पास आकर उसे कहता है कि इस शिप में जरूर कुछ गड़बड़ है, जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, जो सुनकर वो उसके साथ जाती है। लेकिन इस बार जब एलेक्स उस कमरे को खोलती है तो उसके अंदर उसे शव के बजाय मीट लटके हुए दिखाई देते हैं, जो देख कर जेसन हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ शव लटके हुए थे। जिस पर एलेक्स उसे कहती कि तुम्हें बस वहम हुआ होगा, इस शिप में कुछ गड़बड़ नहीं
नहीं है। दूसरी तरफ वो असिस्टेंट ऋषभ को फिर से मकड़ी को खिला देता है, जहाँ जिम और गेब बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जिम उससे कहता है कि तुम जल्दी अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो क्योंकि मेरी शिप का फ्यूल खत्म हो गया है, मैं ज्यादा समय शिप को एक ही जगह गोल गोल नहीं घुमा सकता। यानी कि जेसन सही कह रहा था, इस शिप में जरूर कुछ गड़बड़ है। अब अगले दिन जिम फिर से सभी से छिपकर फोन के पास आता है, लेकिन अब उस फोन की तार को किसी ने काट दिया था, जो देखकर वो गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद अब जब वो खाना खाने आता है तो उसे एलेक्स जिम के साथ दिखाई देती है, जिस पर वो गुस्से में एलेक्स को वहाँ से हटाकर उसे चिल्लाने लगता है। तब जिम के साथ ही उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं, जहाँ गेब उसे फिर से किसी तरह का इंजेक्शन लगाकर एलेक्स से कहता है कि इसे कुछ देर आराम करने दो, ये ठीक हो जाएगा। जिसके बाद जिम एलेक्स से बात करते हुए वहाँ से ले जाता है। और अब उसके जाने के बाद कुछ लोग जेसन को स्ट्रेचर पर लेटा कर एक लैब में ले आते हैं, जहाँ उन सारे लोगों को किसी तरह के टैंक में गया था जो सभी बोट पर पार्टी कर रहे थे। यानी कि यही लोगों ने किसी कारण उनका अपहरण करके उनकी बोट को विस्फोट कर दिया था। वहीं गेब जेसन को उसकी मकड़ी के पिंजरे में डालकर बाहर से उसे देखने लगता है, और तब जेसन के पास वो मकड़ी आती है जिसे देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं, और फिर वो मकड़ी जेसन के पेड़ के अंदर अपना अंडा डाल देती है। इधर गेब टैंक के पास आता है जिसके अंदर बाकी अंडे डाले हुए लोगों को रखा गया है, और तभी एक फीमेल के अंदर का अंडा मकड़ी बनने के लायक हो जाता है, जिससे उसे वॉमिट हो जाती है, और तब उसका पेट फाड़कर मकड़ी बाहर आती है, और अब मकड़ी के बाहर आते ही वो फीमेल अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद गेब जेसन को अपने टेस्ट के बारे में बताता है कि मैंने मकड़ियों पर रिसर्च किया है, जिससे मुझे पता चला है कि इस प्रजाति की मकड़ियां कभी बीमार नहीं होती, इसलिए मैं लोगों के अंदर उसके अंडे डालता हूं ताकि ये पता लगा सकूं कि अगर वो इंसान मकड़ी को जन्म देने के बाद भी जीवित है तो उसका डीएनए मकड़ी के डीएनए से बदला जा सकता है, जिससे वो इंसान भी मकड़ी की तरह कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और उसकी इसी बेवकूफाना एक्सपेरिमेंट से हम समझ पाते हैं कि गेब एक साइको डॉक्टर है। अब गेब जेसन को भी टैंक के अंदर डाल देता है, जहां उसके पास उसके डीएनए से बना एक एंटीडोट भी होता है, जिसे जेसन को लगाया जाए तो वो ठीक हो सकता है। जिसके बाद गेब जेसन के शरीर में अंडे को बड़े होने के लिए उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इधर एलेक्स और जिम जब खाना खा रहे होते हैं, तब जिम उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसे मना करके वहां से भाग जाती है और जेसन को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। और तभी जिम उसके पास आता है, जिस पर वो उसे सवाल करती है कि जेसन कहाँ है, लेकिन वो कहता है कि उसे भूल जाओ, गेब ने उस पर टेस्ट करके अब तक उसे मार भी दिया होगा, जो सुनकर वो एकदम घबरा जाती है। जिसके बाद जिम अपने साथियों से कहता है कि इसे भी गेब के पास ले जाओ, इसलिए वो एलेक्स को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें भी चकमा देकर वहां से भाग जाती है, जहां वो भागते वे लैब तक पहुंच जाती है, जिस जगह उसे एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, इसलिए वो शिप के पावर को ही कट कर देती है, जिससे अब सारे टैंक्स और पिंजरे खुल जाते हैं, जिसके कारण मकड़ियां अब आजाद हो जाती है। अब पिंजरे के खुल जाने की वजह से वो बड़ी मकड़ी बाहर आने लगती है, इसलिए गेब और बाकी गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं, और तभी वहाँ एलेक्स आकर जेसन को टैंक से बाहर निकालती है। वहीं वो मकड़ी गेट खोलने में सफल हो जाती है, और अब गेब के असिस्टेंट को पकड़कर उसे मार देती है, जिसे देख कर गेब वहां से भागने लगता है। तब उसके सामने एलेक्स और जेसन आकर खड़े हो जाते हैं, और अब एलेक्स उससे सवाल करती है कि तुमने जेसन के साथ क्या किया, जिस पर वो टॉन्ट मारता है कि तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है, पर उसके पीछे एलेक्स और जेसन भी जाते हैं। दूसरी तरफ जिम अपने साथी से कहता है कि एलेक्स को ढूंढ कर तुरंत मेरे पास लाओ, लेकिन तभी उसके साथी के पास मकड़ी आकर उसे मार देती है। वहीं जिम के पास भी एक मकड़ी आ जाती है, जो उसका भी निर्दयता से खेल खत्म कर देती है। दूसरी तरफ एलेक्स और जेसन के आगे बढ़ते हुए जेसन की तबीयत अब खराब होने लगती है, इसलिए वो कैंटीन में ही रुक जाता है, पर तभी वहां भी मकड़ियां आने लगती है, इसलिए एलेक्स उसे सिलेंडर की मदद से जलाकर राख कर देती है, पर तभी एक मकड़ी जेसन का पैर पकड़ लेती है, लेकिन एलेक्स मकड़ी के हाथ को काट कर जेसन को बचा लेती है। जिसके बाद दोनों डेक के पास आते हैं, जहां उन्हें गेब दिखाई देता है, जो छोटी नाव की मदद से भागने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स अब उससे जेसन के एंटीडोट के बारे में पूछती है, जिस पर गेब उससे कहता है कि एंटीडोट के बारे में तो तुम भूल ही जाओ, वो तो मैं तुम्हें कभी दूंगा ही नहीं, साथ ही जेसन को भी अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि यहाँ की मकड़ियां नियंत्रण के बाहर है, इसलिए मेरी रिसर्च का आखिरी सहारा जेसन ही है। पर तभी वहां मकड़ी आकर गेब को अपना शिकार बनाती है। तब जेसन एलेक्स से कहता है कि गेब ने एंटीडोट जरूर लैब में रखा होगा, लेकिन तुम वहां मत जाओ क्योंकि वहां बहुत खतरा है। पर एलेक्स कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, जो
इतना कहकर वो एंटीडोट लेने चली जाती है। अब एलेक्स जैसे तैसे लैब पहुंचकर एंटीडोट ले लेती है, लेकिन वहां से लौटते हुए उसके पीछे मकड़ी पड़ जाती है। तब एलेक्स को वहाँ फ्लेमेबल केमिकल दिखाई देता है, इसलिए वो उसे खोल देती है। और अब जैसे ही मकड़ी वहाँ आती है, एलेक्स लाइटर जलाकर उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे मकड़ी को आग लग जाती है। जिसके बाद एलेक्स वहाँ से भागकर तुरंत जेसन के पास आती है और एक नाव की मदद से शिप से नीचे उतरने लगती है, जहाँ वो जेसन को तुरंत एंटीडोट भी लगा देती है। पर तभी नाव समुन्द्र में उतरने से पहले ही अटक जाती है, जिससे वहाँ भी मकड़ी आने लगती है, इसलिए मजबूरन उन्हें पानी में कूदना पड़ता है। वहीं अब आग पूरे शिप में फैल जाती है, जिससे शिप में धमाका हो जाता है और वो पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। अब कुछ समय बाद समुन्द्र के ऊपर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर गुजरता है, जिन्हें पानी में एलेक्स और जेसन लकड़ी के टुकड़े पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो तुरंत उनकी तरफ रस्सी फेंकते हैं। लेकिन जब वो दोनों ऊपर आ ही रहे होते हैं कि तभी एक कंटेनर पानी के सतह पर आ जाता है, जिसके अंदर एक मकड़ी होती है, जो एलेक्स का पैर पकड़कर उसे पानी की तरफ घसीटने लगती है। तब एक सोल्जर एलेक्स को एक ग्रेनेड फेंक कर देता है, जिसे वो मकड़ी के मुंह में डाल देती है, जिससे ग्रेनेड के साथ वो मकड़ी भी विस्फोट हो जाती है। और फिर एलेक्स और जेसन सही सलामत ऊपर आ जाते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।